वाराणसी में ये रहा श्री राम कथा जो 18 जुलाई से 26 जुलाई 2023 तक संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आंगन प्रांगण में आपको देखने को मिलने वाला है। कथा कहने के लिए पूज्य श्री राजन जी महाराज यहाँ पे आएंगे और आपको कथा का श्रवण कराएंगे। जैसा कि आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, ये होर्डिंग लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं रोड को क्रॉस करके अंदर की तरफ, जहाँ पे अभी कथा होने वाला है वहाँ पे आपको दिखाएंगे, तो बने रहेगा वीडियो में। बनारस में इससे पहले इनकी एक कथा हुई थी, जलालपुर के आगे एक जगह था वहाँ पे हुई थी। फिलहाल आप ये देख सकते हो इनका मेन गेट पे जो होर्डिंग है, जहाँ शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इस क्रीड़ा प्रांगण में संस्कृत जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ पे होगा। इनके जो गुरु जी हैं वो प्रेममूर्ति पूज्य संत श्री प्रेमभूषण जी महाराज हैं, उनके कृपा पात्र ये हैं। और चलिए आपको अंदर की तरफ लेकर भी चलते हैं, ये देखें। तो जब आप अंदर की तरफ आते हैं वो सामने आप देख सकते हैं जो पंडाल लगा हुआ है महाराज जी का, जो यहाँ पे आपको कथा सुनाने वाले हैं, है ना। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का ग्राउंड देख सकते हो, और उधर राजघाट की तरफ चला जाने वाला चौका घाट का पुल है, और हम चलने वाले हैं अभी प्रांगण में। तो इस खूबसूरत प्रांगण को आप इस तरीके से देखिए, बहुत बड़ा और बहुत भव्य ये प्रांगण है। एक्चुअली आप नीचे देख रहे हो ये ईंट बिछाया गया है, तो ईंट इसलिए बिछाया गया क्योंकि पिछली बार क्या था कि इसी वाले ग्राउंड पे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम बाबा कहे जाते हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो बरसात का ऐसा सिलसिला था कि इतना कीचड़ कीचड़ हो गया था कि लोग परेशान हो गए, तो इसलिए ईंट यहाँ लगाना नेसेसरी था। ईंटें लगाई गई हैं, बरसात का मौसम है और अभी बारिश हो भी रही है बनारस में। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए इनका लगा हुआ है ना। इसके अलावा अलग अलग सेक्शन यहाँ बने हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ शाम से ही कथा शुरू होने वाली है, और अलग अलग केबिन अलग अलग लोगों के लिए। और जो सामने का केबिन है ये भी आप देख सकते हो कि ये केबिन लगाया गया, अलग अलग स्टॉल है, कहीं बुक के लिए कहीं कुछ के लिए एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पहले दिन का है, और कथा स्टार्ट होने से बहुत पहले का है, इसलिए अभी सारी चीज़ें आपको सुबह में देखने को मिल रही हैं। देखिए ग्राउंड एक्चुअली बहुत बड़ा है। जब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा आए थे यहाँ पर तो इतनी भीड़ हो गई थी कि भीड़ को मैनेज करना बहुत टफ हो रहा था, पर अभी सब फिलहाल ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें अभी मैनेज हो रही हैं, यहाँ पे हैंडल हो रही हैं, देख रहे ना। यूपी बिहार में जो राजन जी महाराज हैं, इनके जो भजन हैं और इनकी जो बातें हैं, इसके वजह से काफ़ी फेमस हैं, और बहुत कम लोग होंगे जो इनका नाम नहीं सुनेंगे। ये रहा मेन हॉल जहाँ पे आपको कथा सुनाई देने वाली है। ये देखिए कितना भव्य इस पंडाल को बनाया गया है, ये देखिए, देख रहे ना। ये देखिए अलग अलग तरीके से राम जी यहाँ लक्ष्मण जी को जब लगा था, तो उस समय का ये सीन है। बस ये टीवी डिस्प्ले भी यहाँ लगाया गया है, जो दूर बैठने वाले हैं उनको भी दिखता रहे। भगवान राम के बचपन का वो तस्वीर है, थोड़ा तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो ना, ये देखिए दशरथ जी का है, उनके 4 बच्चे और माता का है, यहाँ पर अपने गुरुकुल में सीखते हुए। ये देख रहा माता हैं जो 4 बच्चों को भोजन करा रही हैं, पिताजी के वहाँ पे पैर दबाए जा रहे हैं दशरथ जी के, है ना। इधर भी देखिए छोटे से टीवी डिस्प्ले लगा हुआ है, भगवान राम जब जटायु के पास मिले थे और रावण जब सीता जी का हरण करके लेके जा रहे थे तब का फोटो है। फोटो देखें,
वाटिका का ये फोटो है। जब वापस आ रहे थे राम जी के विवाह का ये वर्णन है यहाँ पर। अब देखिए माता जी को प्रणाम करते हुए, और इधर हनुमान जी और राम जी का मिलन जब हुआ था तब का है। इधर देखिए ये रहा भव्य पंडाल, जहाँ पे आज आपको कथा श्रवण होगा, श्री राम कथा प्रेमी सेवा समिति है ना। ये रहा यहाँ का मेन पंडाल, जो कथा आपको यहाँ सुनाई देगी। ये देखो अभी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं, इस कथा को स्टार्ट करने के लिए भी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। बाकी हम आपको समय समय पे और वीडियोस भी लेकर लाते रहेंगे। पूरा राजन जी का कटआउट है जो बाहर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। ये भव्य पंडाल जो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, देख रहे हैं ना, बनारस में जो भी चीज़ें होती हैं हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस कथा से रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी राजन जी का जो ये कथा है और लोगों तक भी पहुँच पाए। चलिए आपको और चीज़ें भी दिखा देते हैं यहाँ से रिलेटेड, क्योंकि आपको ये पंडाल देखने में तो लग रहा है लेकिन कब और कितना जल्दी भर जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी कथा में काफ़ी भीड़ होता है, दूर 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 दराज से भी लोग आते हैं, है ना। और ये गद्दे लगे हुए हैं, बाकी टेली कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो इधर लगा हुआ है ना। ये देखिए सारे सिस्टम अभी सेटअप में चल रहे हैं। और मैं मंच के पास से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, देख रहा ना। बाकी यहाँ का वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।